अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई का इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाने का प्लान मुलतवी, फैसला स्पीकर, कौमी असम्बली की अदम दस्तियाबी के बाइस किया गया। पीटीआई के अरकान कल केपी हाउस में भी जमा नहीं होंगे। साबिक वज़ीरे आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान में जम्हूरी जद्दोजहद की मैमार थी। हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हर रोज़ याद करते हैं। पाक भारत आबी तनाज़ा, पिकलडल और केरू प्रोजेक्ट पर भारत से जवाब तलब। इंडस वाटर कमीशन ने एक बार फिर भारत को खत लिख दिया। कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह का कहना है कि आलमी बैंक बतौर थर्ड पार्टी हमारे मौकिफ को तस्लीम करेगा। सरफराज अहमद ने कराची टेस्ट में अपनी शमूलियत का फैसला दुरुस्त साबित करवाया। नजम सेठी का कहना है कि सरफराज अहमद ने बहुत कामयाबियां दिलवाई हैं। जारहाना अंदाज की वजह से शाहिद आफरीदी की क्रिकेट बोर्ड में ज़रूरत है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. तहरीके इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाने का प्लान एक बार फिर मुलतवी हो गया, जबकि वज़ीरे आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आइंदा हफ्ते एतमाद का वोट लेंगे। तहरीके इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाने का प्लान एक बार फिर मुलतवी हो गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आइंदा हफ्ते एतमाद का वोट लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का मामला फिर लटक गया। ये फैसला स्पीकर कौमी असम्बली की अदम दस्तियाबी के बाइस किया गया। ज़राए का कहना है कि पीटीआई अरकान कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में भी जमा नहीं होंगे, जहां पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने कल खिताब करना था। कबल अज़ी पीटीआई अरकान ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए कल 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में तय पाया था कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली 28 दिसंबर बरोज़ बुध खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे, जहां पार्टी चेयरमैन इमरान खान अरकान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। बाद अज़ां तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाएंगे और स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आइंदा हफ्ते एतमाद का वोट लेंगे। 2 जनवरी को पीटीआई और काफ लीग का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। पार्लिमानी इजलास में तमाम मेम्बरान की हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। ज़राए ने बताया कि पीटीआई ने बैरून मुल्क मेम्बरान को भी फौरी पाकिस्तान पहुँचने की हिदायत जारी कर दी है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में एतमाद का वोट लेने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़। अपने नाम करने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ अपने नाम करने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनके 15वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दख्तर मशरक़ का मीरास मुल्की और आलमी सियासी मुश्किलात के मुतालिक काबिल अमल लाइहा अमल भी है। हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हर रोज़ याद करते हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम हर रोज उनकी फिक्र विजन से रहनुमाई हासिल करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने दौर से बहुत आगे का इदराक रखने वाली करिश्माती लीडर थी और उन जैसे करिश्माती लीडर सदियों में पैदा होते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में पीपल्स पार्टी के जेरे एहतमाम ताजियती इज्तिमा और मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल सियासी करियर में बेनजीर भुट्टो सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रही। सियासी आजमाइशों का अपने तदब्बुर और बहादुरी से डटकर मुकाबला किया। बेनजीर भुट्टो ने लियारी, लाड़काना, लाहौर के सियासी मैदानों को आबाद करने के साथ साथ हर शोबे जिंदगी के ताकतवर हलकों का मुकाबला किया। 2 मरतबा वजीर आजम मुंतखब होने वाली बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतन खत्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन पहुंची तो कराची एयरपोर्ट पर जियालों ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया। शाहरा फैसल कारसाज के मकाम पर उनके ट्रक के करीब 2 जोरदार धमाके हुए जिसमें 150 से ज्यादा अफराद जाबहक और मुतादिद जख्मी हुए। 2 माह कबल दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा शहीद ने जमहूरियत की खातिर अपनी जान की परवाह तक नहीं की और सख्त खतरात के बावजूद 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी जलसगाह पहुंची। जलसे के अख्तिताम पर खुदकुश हमले में उन्हें शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शख्सियत और किरदार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। इंडस वाटर कमीशन की जानिब से खत में पिकल डल डैम और केरो पावर प्रोजेक्ट के मुतालिक एतराजात पर जवाब मांगा गया है। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाक भारत आबी तनाजे के मामले पर इंडस वाटर कमीशन ने एक बार फिर भारत को खत लिख दिया। इंडस वाटर कमीशन की जानिब से खत में पिकल डल डैम और केरो पावर प्रोजेक्ट के मुतालिक एतराजात पर जवाब मांगा गया है। जराए के मुताबिक इंडस वाटर कमीशन ने अपने खत में पिकल डल और केरो पावर प्रोजेक्ट के मुतालिक एतराजात पर जवाब मांगा है। पिकल डल डैम और कैरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मकबूजा कश्मीर में दरियाए चना पर तामीर है। इन प्रोजेक्ट से दरियाए चना में पानी का बहाव कम हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिकल डल से 1000 मेगावाट और कैरो पावर प्रोजेक्ट की पैदावारी सलाहियत 624 मेगावाट है। जराए के मुताबिक पाक भारत आबी मुजाकरात में ये दोनों मनसूबे सर फहरिस्त होंगे। भारत ने गुज़िश्ता इजलास में तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी। जराए ने बताया कि भारत हमारे साथ वाटर डेटा शेयरिंग कर रहा है और भारत से आइंदा मीटिंग मार्च से पहले मुतवक्के है। भारतीय वफ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएगा। इंडस वाटर कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिंध तास मुहायदे की पासदारी की है। उम्मीद है आलमी बैंक बतौर थर्ड पार्टी हमारे मौकफ को तस्लीम करेगा। जराए के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता इजलास में तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी, इसलिए अब आबी मुज़ाकरात में ये दोनों मनसूबे सर फहरिस्त होंगे। कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन महर अली शाह का कहना है कि भारतीय वफ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि आलमी बैंक बतौर थर्ड पार्टी हमारे मौकफ को तस्लीम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम सेठी का कहना है कि हमने टीम में 1-2 अहम तब्दीलियां की हैं। सरफराज अहमद ने बहुत कामयाबियां दिलवाई हैं। बाबर आजम पाकिस्तान का स्टार है। 1-2 नए बॉलर्स भी शामिल किए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि हम PSL के लिए टीमों में इजाफा चाहते हैं, लेकिन लीग की फ्रेंचाइज रजामंद नहीं। बोर्ड को जहरे शाहिद आफरीदी की ज़रूरत है, जबकि सरफराज अहमद ने कराची टेस्ट में अपनी शमूलियत का फैसला दुरुस्त साबित करवाया। नजम सेठी का कहना है कि हमने टीम में 1-2 अहम तब्दीलियां की हैं। सरफराज अहमद ने बहुत कामयाबियां दिलवाई हैं। बाबर आजम पाकिस्तान का स्टार है। 1-2 नए बॉलर्स भी शामिल किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम सेठी ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहिद आफरीदी जारहाना अंदाज अपनाते हैं, हमेशा फ्रंट फिट पर खेलते हैं। इस वक्त शाहिद आफरीदी की क्रिकेट बोर्ड में जरूरत है। नजम सेठी का कहना था कि पिछले बोर्ड और PSL फ्रेंचाइज के मामला ठीक नहीं थे। मैं फ्रेंचाइज के मालकान और जिम्मेदारान से मुलाकात करूंगा। चाहता हूं कि PSL की टीमों में इजाफा हो। पाकिस्तान सुपर लीग में 7 से 8 टीमें हो तो बेहतर रहेगा। ताहम फ्रेंचाइज मालकान नहीं चाहते कि PSL के लिए टीमों की तादाद में इजाफा हो। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।